तेरी देखा, वो कह रहे हैं कि भाई आपकी कैसी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, इसके ऊपर ना बैठे तो अच्छा है। ओए कैसी सिप्टेन, यार क्या हो गया सिप्टेन, छोड़ो। कैसी बात सुनो, आज मेरा दिल करे तुम्हारे ऊपर राइडिंग करने का, ठीक है? तो आज तुम तैयार रहे ना, राइडिंग करानी पड़ेगी यार तुम्हें हर हाल में, ऐसे तुम खाती रहोगी सिर्फ क्या? तो आज मैंने सोचा है कि मैं कैसी के ऊपर करने वाला हूँ दोबारा से राइडिंग। इसका एक लास्ट इम्तिहान लेते हैं, आखिरी इम्तिहान लेते हैं कि देखते हैं कि मुझे राइड अच्छी कराती है कि नहीं कराती। अगर इसने राइड अच्छी ना कराई तो इसको हम टाटा बाय बाय कर देंगे, क्योंकि बहुत हो गया भाई, बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने, हमें राइडिंग नहीं कराती है। सही तुम्हारा दिमाग ठीक है, इसके ऊपर राइड ना करो सिपी। क्यों, कितना तो एग्रेसिव है यार सिप्टेन, देखा नहीं था उस दिन पार्क में क्या किया था इसने? यार पार्क में उस वजह से, क्योंकि वहां पर वो तेज भागने लगी थी ना, गोल गोल चक्कर मारने लगी थी, वो पागल हो गई थी उसका। अब कहां लेके जाओगे इसको? अब मैं तो कहता हूँ मिनी जू के अंदर ही ट्राई करते हैं इसको, नहीं तो फिर वो नए मिनी जू में है? शयान को तो पहले बिठाएंगे, टेस्ट शयान के ऊपर करेंगे। हाँ शयान ठीक है, टेस्ट करेंगे तुम्हारे ऊपर। बात सुनो, कैसी बार बैठ जाना, फिर वो तुम्हें लेके जाएगी जहाँ उसका दिल करेगा है। यार नवीद भाई को मैं लेके आ गया हूँ, सही अच्छा। है, लेकिन पता है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई आपकी कैसी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, इसके ऊपर ना बैठो तो अच्छा है। तो क्या हो गया, गिरा देगी नीचे, टांग मार देगी, हड्डी टूट जाएगी, सर में खून आ जाएगा, पता तो चल जाएगा भाई। पता तो चलेगा कितनी एग्रेसिव है, ताकि हम कल को इसको वापस जो करें फिर पता तो हो ना हमें भाई, हम किस वजह से वापस कर रहे हैं, इतना तो प्रूव हो जाएगा ना कैसे कितना हमें तंग कर दी। आज मैं करूंगा, रिस्क लूंगा। चलो नवीद भाई ऐसे ही खड़ी हो यार, या तो रखें इसको या तो बाहर करें, एक चीज तो करनी है ना हमने, तो आज फैसला हो जाएगा इसको रखना है कि बाहर करना है बस। अभी ना राइडिंग करो। अभी ना करूं, कब करूं? शाम को। शाम को नहीं, सुबह सुबह राइडिंग करेंगे ना, मजा आएगा, ठंडा मौसम है, फिर भागेंगे, गर्म हो जाएंगे ना, समझ में आया? ठीक है, आपको भी बिठाऊंगा, टेंशन ना लो। तो यार आज बहुत ठंडा मौसम है, धुंध है, हवा है ठंडी ठंडी, सर्दियों की आपको पता है कितना ठंड है इस टाइम, तो इसी ठंड में हम राइडिंग करेंगे और कैसी का आज इम्तिहान लेंगे, न्यू मिनी जू में लेके जाएंगे, इसी मिनी जू में टेस्ट करेंगे, बाहर भी जाएंगे, देखेंगे किस तरह राइड करवाती है। आज डर भी बहुत लग रहा है यार मुझे, कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए उस दिन की तरह, गिरा के भाग गई ना ये, किसी को भी मार सकती है रास्ते में, मुझे भी मार सकती है, तो देखते हैं क्या होता है। पार्क में गिरा नहीं था मैं, हाँ घोड़ी से गिरा था, फिर घोड़ी ने टांग मारी थी, सबको ऐसे ऐसे घूर गोल गोल घूम रही थी। कैसी को तैयार करने, हट जाओ, आ जाओ। ये तो बड़ा खुश है क्योंकि मैंने राइडिंग करनी है ना, ये बड़ा खुश है, अगर इसने राइडिंग करनी होती ना इसकी आवाज भी ना निकल रही होती। आप अभी बाहर नहीं निकालो इसको, लगाम वगैरह डालो प्रॉपर सेटिंग के साथ बाहर लेके आएंगे, ऐसे थोड़ी बैठ जाएंगे यार, कहाँ कुछ नहीं कहेगी, हद जख्म आ जाएगा सर पे और क्या होगा। मेरी वाली बातें ना करो, तुम्हें वाकई लग जाएगा, आ जाओ। क्या हुआ, डर रहे भाई साहब? आज एक काम करते हैं यार, आज सारे जितने भी भाई हैं ना हमारे मिस्त्री मजदूर भाई, सबको राइडिंग कराते हैं, कैसा हाँ जख्मी हो जाएंगे। नवीद भाई सामान ले आए, ये हमारा कैसी का सामान है जो राइडिंग का, राइडिंग किट है ना, इसके अंदर है, खोलो इसको, आज तो पक्का राइडिंग। यार सबसे पहले तो कैसी को यार यहाँ से साफ करना है, मट्टी लगी हुई है। साफ सुथरा होके बाहर जाते यार, यहाँ पे अगर मैं इसको लगाऊंगा ना ये ऐसे करेगी, ये देखें कौन करेगा यहाँ से, ये देखें ही करती है। मैं छोड़ दूंगा, मुझे तुम नहीं छोड़ो, तुम क्यों छोड़े, टांगे पीछे आगे उसकी, तो आगे से काट दे मुझे फिर, कुत्ता थोड़ी है यहाँ से। बस मट्टी कैसी, तुम्हारा फायदा कर रहा हूँ, एक तो साफ कर रहा हूँ तुम्हें। उतरी हुई टांग मार रही है भाई, छोड़ो नहीं, छोड़ो नहीं, तुमने नहीं छोड़ना चाहे जो कुछ भी हो जाए। शयान तुम तो छुप के वहीं से देख रहे हो ना हमारे ऊपर क्या बीत रही है, हमें पता है। तो यार कैसी की ये वाली जगह हम साफ नहीं कर सकते, ये टांग जो है ना ये मार रही है काफी टाइम से, तो हमें नुकसान हो सकता है, इसलिए बस ऊपर ऊपर से यहाँ यहाँ से साफ कर लेते हैं, ठीक है? तो आप यार कैसी हमारे काबू में नहीं आ रही, हमने ना कैसी को अब बांध लिया है इन पिलरों के साथ, देखिए कैसी कैसे कर रही है। ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, तुम इधर आओ ना, छोड़ दो उसको। ओए कैसी सिप्टेन, यार क्या हो गया सिप्टेन, छोड़ो, मैं क्या करूं, छोड़ो नहीं करो सवारी, तो मुझे डर लग रहा है यार अब, ये कैसे कराएगी, ये गिरा देगी सिप्टेन, नुकसान हो जाएगा, कुछ हो ना जाए आज पे, छोड़ो बांधो नहीं इसको। यार कैसी इस तरह की हरकतें कर रही है, हम कैसे सफारी करेंगे इसकी, वहां पर रास्ते में हम ऐसे जा रहे हैं और ऐसे उल्टी सीधी हरकतें करें, टांगे मारना शुरू कर दे बाकियों को, तो क्या करेंगे हम बताएं।
मैं तो कहता हूँ तो आप इसका बंदोबस्त करो, सवारी करने से पहले मेरा दिल धड़कने लगा है, मैं ऊपर बैठ गया, उल्टी सी दरकत कर ली तो मैं तो गया काम से। वो, देखे यार कैसे कर रही है। आज हम इसको चेक कर रहे हैं, अगर ये सही रही, लगता नहीं है कि सही रहे ये, अगर सही रही तो फिर इसको रखेंगे, नहीं तो ये इसको भी अल्लाह हाफिज टाटा बाय बाय वापस कर देंगे। हाँ जी, ये ले नवीद भाई। अच्छा यार कैसे को हमने बांध दिया है, अभी जो है ना नवीद भाई इसकी दोबारा से अच्छे से उसकी वो कर रहे हैं, सफाई रगड़ाई कर रहे हैं, शायद इसको समझ में आ जाए अभी मैंने राइडिंग करनी है, मुझे तैयार कर रहे हैं, मुझे अपना मूड सही कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं अभी तक ऊ कर रही है और देखते हैं। तो यार मैं काफी दिनों के बाद कैसी के घर के अंदर आया हूँ, क्योंकि कैसी बाहर है ना आज बंधी हुई है बाहर, तो मुझे आज मौका मिला है कैसी के घर का देखने का, भाई किस तरह की सिचुएशन होगी घर की, सारा गंदा किया हुआ है इसने कैसी ने घर, ना सफाई करने देती है ना अंदर आने देती है। अब पता चला तुम्हारे घर में मैं कब्जा करके खड़ा हो गया हूँ, अब तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे, बस यहीं से डायरेक्ट इसको बाहर भेजे तो आप जिसको देना दे देते हैं, बस खत्म बहुत हो गया, यही हाल है इसका। चलो सवारी कर लेते हैं फिर देखते हैं इसके साथ करना क्या है। करती रहती है डर के मारे। तो यार कैसी के ऊपर हमने सीट भी रख दी है, इसको बस टाइट करना है, उसके बाद भाई मैं करने लगा हूँ इसकी सवारी, देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा भाई, बस तैयार हो जा भाई, के लिए तैयार हो यार, वैसा तो ना बोलो, वैसे ही बहुत डर लग रहा है, मुझे हिम्मत बढ़ाओ मेरी। चलो चलो। तो यार घोड़ी को सारी किट पहना दी है, बस ये जो आप लटक रहे हैं ना रस्सी, ये गुजारनी इसके पूंछ के नीचे तक, फिर जाके प्रॉपर ये तैयार होगी। ये करना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो ही हम पूछ के करीब आते हैं ना तो ये टांगे मारना शुरू कर देती है। अब देखते हैं कि ये वाली रस्सी हम पहना पाते हैं कि नहीं पहना पाते। हुई तेरी, देखा अब ये कैसे पहनाएंगे इसको हम, आप कहते राइडिंग करो राइडिंग करो, इतनी कमेंट्स आ रहे थे घोड़ी की राइडिंग करो कैसी की राइडिंग करो, मेरा भी बड़ा दिल करता है, लेकिन ऐसी जब घोड़ी होती है ना बड़े बड़े घोड़ों का दिल करता है भाई छोड़ो इसको दफा करो। अब मैं क्या करूं बताओ, बड़े बड़े घोड़ों का क्या क्या कह रहे तुम, बड़े बड़े पागल हो गया मैं। तुम्हें कुछ भी नहीं कर रहे यार, सिर्फ राइडिंग तो कर रहे हैं घोड़े, और क्या करते हैं, घोड़ों का काम होता है राइडिंग कराना यार, तुम्हें इतना खिलाते हैं पिलाते हैं फिर भी तुम ये असर दिखा रही हो, तो फिर तुम्हें छोड़ना पड़ेगा हमें, हमारी मजबूरी बन जाएगी यार, तुम क्यों जाना चाहते हो यहाँ से, हमारे पास रह के तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या है, तुम्हारी सारी खिदमत तो करते हैं सारे काम तुम्हारे करते हैं और तुम हो के बस यही काम करती हो, बस हमें ना राइडिंग कराती हो, डरती रहती हो, टांगे मारती रहती हो। मैं तो मैं जा रहा हूँ यार, मैं नहीं कर रहा हूँ क्या करने, उसको तैयार किया है, मुझे डर लग रहा है भाई। मैं बैठता हूँ आप नहीं बैठ सकते भैया, आपने देखी नहीं कैसे टांगे, अच्छा एक काम करना है भैया, कैसे जा रहे हैं खैर है, राइडिंग आप करना पहले उसके पूंछ में वो रस्सी डालनी है, वो डालने जरा पूंछ में रस्सी। हाँ आज मैंने मरी में इस्लामाबाद में बड़ी राइडिंग की, वो हमने भी की है, वो बच्चे भी करते हैं, शयान भी करता है, ₹200 में राइडिंग करवा लेते थे वो, तो आपको फ्री में कराते हैं आप एक दफा बैठे। इसकी पूंछ में वो करें ना, इसकी रस्सी डालें दुम में, इसको कवर करें। हाँ आ जाए, अभी तो एक चीख मारी है उसने, ये देखें कैसी ये कर रही है। मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकते ना, मैं वैसे मैं करते रहता हूँ जंगों में, मैंने हिस्सा लिया हुआ है लेकिन। ओए क्या हो गया, तुराब तुम पीछे क्यों खड़े हो उसके, घोड़ी नहीं कोई आफत आ गई यार, यार नवीद भाई बांधे यार इसको। नहीं इतना मेहनत की है इसको, मेहनत की है तो जख्मी करवा, कुछ नहीं, वो डराए वो डराते रहते हैं। वाह भाई क्या कह यार, कह रहा जिब्बा करते हैं इसको, क्या पागल हो क्या। तो यार सारे पीछे हट गए हैं कैसे, किसी को भी करीब नहीं आने दे रही, मुझे लगता है हमें छोड़ना पड़ेगा तो आप इसको अपने हाल पे, आखिरी ट्राई तो करें यार, पूंछ के करीब नहीं आने दे रही, टांगे मार रही है वो, नहीं हो रहा यार, नहीं कर रही। मैंने एक आइडिया सोचा है, मैं इस डंडे से ना इसका पूंछ ऊपर करूंगा और पीछे से थोड़ा रस्सी डाल लेगा, आ जाओ आइडिया फ्लॉप। तो दोस्तों बस आखिरी ट्राई है, अगर ये ना डालने दिया इसने तो फिर हम साइड पर हो जाएंगे, आखिरी ट्राई, आखिरी ट्राई, सिप्पी ध्यान ध्यान, क्या करूं मैं, क्या करूं, ओए 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 क्या हो गया इसको, ऐसे क्यों कर रही है आज, मैं तो कह रहा हूं थोड़ा रहने दो नवीद भाई, छोड़ें इसको अंदर डालें यार, बिना इसके तो बैठ सकते हो सिप्पी, ओहो कुछ नहीं होगा, चाहते हो क्यों नुकसान कराने, एक दफा बैठो तो सही, तुम्हारा भाई नवीद भाई खोल दे यार इसको, बिना इसके ना बैठ जाएगा सिप्पी,
नहीं कंट्रोल में नहीं आएगी ना, उसके सिस्टम ही बूठे हो जाएंगे। मैं इधर करूंगा वो इधर जाएगी। इधर कौन सा पुलिस है जो इसको गिरफ्तार कर लेगी? ध्यान अच्छा इधर से हो। चलो यार बंद करो बंद करो। कैसी को हम वापस करने लगे हैं दोस्तों। कैसी बस हमारे पास ऐसे कोई 5-6 दिनों की मेहमान है। हमने बहुत कोशिश की कि ये ठीक हो जाए लेकिन नहीं हो रही हमारी कैसी ठीक। अब तो करीब ही नहीं आने दे रही, अब तो राइड ही नहीं कराने दे रही। फायदा क्या हुआ इसको लेने का, सिर्फ खिला रहे हैं हम इसको। जो ही करीब आते हैं एग्रेसिव हो जाती है। तो अब हमारी कैसी कुछ दिन की मेहमान है, चली जाएगी वापस। आपने यार कुछ नहीं कहना, अब आप देख रहे हैं कैसे हमें तंग किया है। हमारी जान ले ले वो अच्छा है, हमारे दिल में ये टांग मार दे, हमारे पेट पर टांग मार दे, हम मर जाए वो अच्छा है। कैसी अब जाएगी, चली जाए, चली जाए ज्यादा अच्छा है। हमारी जान ज्यादा कीमती है यार। वही यार, हम नहीं होंगे तो फिर काफी आप भी दुखी होंगे, फिर हमारे घर वाले भी दुखी होंगे। यार इनको हटाओ बस, बहुत हो गया। चलो यार बड़ा मुश्किल काम है दोस्तों, घोड़ी को तैयार करना राइड के लिए, और वो भी ऐसी घोड़ी जो करीबी ने आने दे। ये घोड़ी नहीं है, गधा घोड़ी मिक्स है मुझे। काफी कमेंट्स आ रहे थे भाई आपकी कैसी ना बच्चा देने वाली है, इस वजह से ऐसे करती है। ऐसे होगा क्या, पागल है क्या? ऐसे नहीं होता, हमें पता है हम पाल रहे इसको। चलो यार चलो थोड़ी बच्चा दे देगी जादू से। चले यार, हमने कोशिश तो बहुत की कि इसके ऊपर सवारी करें लेकिन हम कैसी को वापस अपने घर में छोड़ रहे हैं। यहाँ पर खाना छाना दे देंगे, खाती रहेगी जितने दिन है, इसकी टेक केयर करते हैं हम। मेहमान है हमारी, इज्जत करते हैं भाई इसकी हम। ये तो नहीं करती हमारी इज्जत हम, लेकिन इसकी इज्जत करते हैं। तो इसको हम वापस बंद करने लगे हैं। अब कर दो बंद। चुप हो तुम, आप तो बंद कर रहे हैं। आ जाओ अंदर आ जाओ। आ जाओ भाई सब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैसी के चक्कर में तो मैं निकालना ही भूल गया यार सुबह सुबह। आ जाओ आ जाओ सारे, आ जाओ बाहर आ जाओ। तुम भी बाहर आ जाओ, तुम क्यों अंदर क्या कर रहे हो, चलो। जो ही दोस्तों हमने अपनी मुर्गियों को खोला ना, एक मुर्गी ने अंडा देना था, फौरन फौरन ना वो इस जगह पर आ गए। देखे ये देखे, ये फौरन आ गई अंडा देने के लिए। पत्नी बेचारी कैसे बर्दाश्त कर रही होगी। चलो भाई दे दो, नहीं तंग करता मैं तुम्हें। चलो आराम से दो अंडा, मैं थोड़ी देर तक आके फिर उठा लूंगा, सही है। रोशनी की वजह से ये थोड़ी सी कंफ्यूज होगी, पहले तो नहीं होता था ऐसे। चलो अब हो गया। ओए डर क्यों गई, ओए यार तुम क्या कर रहे हो सिप्पी है? यार लकड़ियां जलाते हैं, काफी वो हो गई है ना, ठंड हो गई है आज। लकड़ी बादल है आज, बारिश भी नहीं निकला, सारा दिन लकड़ियां ही जलती रहती हैं। गोट फार्म में तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम ना अभी लकड़ी शकड़ी नहीं जलाते, वैसे भी धूप निकलने वाली है अब, सही नहीं है, निकलेगी आज बादल है। नहीं नहीं निकल आएगी सिर्फ, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, तोड़ के रख दो। हाँ तोड़ के रख दो, बाकी अभी जलाते नहीं है ऐसे। हो गया। इसने क्या उठाया उसे, टाइम छिपकली खा रही है यार मुर्गी, फुल बड़ी वाली छिपकली। मर जाएगी ये तो। कहाँ है वो, देखो वो देखो वो देखो, वो लेके जा रही है यार हमारी मुर्गी ना, छिपकली खा रही है सिप्तैन। ये तो जहरीली होती है यार, देख रहे हो। ओए बेचारी छिपकली को भी मार दिया, वो मर चुकी है सिप्पी। ओए यार इसको निकालो, इसके मुंह से निकालो, निकालो 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 जल्दी, ये जहरीली होती है हमारी मुर्गी, मर जाएगी। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ओ गिरा दी। ओए ये देखिए यार मुर्गी ये वाली छिपकली उठाकर घूम रही थी, बेचारी मर गई है। सिप्तैन इसको साइड पे कर दो, ये जहरीली होती है। मैं ही उठाऊं? हाँ ना, उस दिन वो क्रिकेट उठा लिया था, अब ये छिपकली नहीं उठाई जाती है, ये ज्यादा डरावनी लग रही है। दे नहीं तुम उठाओ, चलो शाबाश। यार सिप्तैन छिपकली लेके जा रहा है, इसको बाहर छोड़ देगा अब, बल्कि मर चुकी है ये, फेंक देगा जाके। जाओ यार जाओ जाओ, ले जाओ सिप्तैन। तो अब दोस्तों मैं आपको एक गुड न्यूज दे देता हूँ, वो ये कि इन कबूतरों ने वापस से बच्चे निकाल दिए, और वो भी इन खरगोशों की बिल के अंदर, जैसे पहले नहीं दिया थे वैसे के वैसे। इधर ही है बच्चे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आवाजें आ तो रही है, और मेरे ख्याल में ये बैठा भी हुआ है बच्चा यहाँ पर, नजर नहीं आ रहा, लेकिन बच्चे दिए हुए हैं दोस्तों, आवाजें तो आ रही थी मुझे। कुछ दिनों बाद देखेंगे, अभी मेरे घर में छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाएं फिर इनको उठाएंगे। अभी सर्दी बहुत ज्यादा नहीं है, मैं बिल से निकालूं और उनको ठंड लग जाए और वो बीमार हो जाएं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल शेयर में आपको सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।